इस कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, सपोज डेल्टा टी टाइम में, इस कंडक्टर के अक्रॉस डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा हो, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जब फ्लो हो रहा हो, तो उस समय में जो करंट की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, याद कीजिए आप लोग, हम लोग 11th में जब पढ़ते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन, उसमें डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होता था। उसी तरह से यहाँ पर भी किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर, है ना, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकते हैं, तो द करंट एट अ टाइम टी अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रेशियो डेल्टा क्यू अपॉन टू डेल्टा टी इन लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वांटिटी, इसको आपको याद रखना है, करंट एट एनी टाइम टी इज डिफाइंड एज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? स्टेडी करंट के लिए आपका फॉर्मूला क्यू अपॉन टी था, जब टाइम डिपेंडेंट हो चार्ज तब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या लिखते थे, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज डी क्यू अपॉन डी टी, लिमिट वगैरह हट जाएगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, जब I equals to J dot A में J क्या है? कल बताया तो था करंट वही डेंसिटी, देखिए J इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था आपका कल, था आपको J इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया, J इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, सर। तो यहां पर जो है करंट की जब आप वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, J इंटू A लिखेंगे। पर डॉट ठीक लेते हैं है, क्या? अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें दो सिचुएशन है, ठीक, अभी आता है ये टॉपिक, उसको फिर हम लोग बाद में पढ़ते। ठीक है, अभी जब आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। अगर आपका ये वाला सिचुएशन है, मीन्स करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है और एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, ठीक है, समझ गए, एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है डायरेक्टली, तब हमारा ये हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन, जैसे कंडक्टर ऐसे होगा आपका, ठीक है, इस तरह से ऐसे कंडक्टर होगा, ठीक, तो उसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से हो गया, टिल्टेड है, तो इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, सो इस कंडीशन में जब इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो ये एंगल हमारा अगर थीटा बना रहा है, ये हमारा अगर एरिया है, तो ये क्या क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा बनेगा, समझ गए, रिजोल्यूशन सर ऑफ वेक्टर से। तो अब इस सिचुएशन में हमारा जो है करंट हो जाएगा, है ना, या करंट डेंसिटी हो जाएगा जे अपॉन, ठीक, ए कॉस थीटा, एरिया अब हमारा नॉर्मल, हमेशा क्या करते हैं, एरिया हम लोग क्या करते हैं, हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे। ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, ठीक है, और एरिया वेक्टर इस तरह से है, तो करंट के डायरेक्शन में एरिया का कंपोनेंट हमारा जो है दिस इज ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर जो है वो जे अपॉन ए कॉस थीटा हो जाएगा, इसलिए करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो इस वजह से ये जे, अब कॉस थीटा किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है, यस और नो, बोलिए। सर। तो जे डॉट ए ये हो गया आपका करंट, समझ में आया, इसे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अगर एरिया एरिया अगर सेम डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में है, तब तो थीटा जीरो होगा तो कोई इशू नहीं है, जे इंटू ए लिख देंगे, लेकिन अगर एंगल बना रहा हो करंट के साथ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उसमें जो है हम लोग इसका कॉम्पोनेंट ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? यस तो करंट के ये सब फॉर्मेट आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, तो आपको घर पे बैठ के आराम से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहले, फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है जो भी दिया हुआ है ये सारे फॉर्मूले डेफिनेशन, ठीक
ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, इसको पढ़िए बैठ के, देखिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसको अनइम्पोर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आप ये वाला यहाँ से टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस टू दिस, ठीक है, इसको पढ़िए, ये समझना था। उसके बाद फिर हम लोग ओम्स लॉ को देखते हैं। ओम्स लॉ आई थिंक कल हम लोगों ने देखा था शॉर्टकट में, ठीक है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता था और आई प्रोपोर्शनल टू वी, वी इक्वल टू आई इन टू आर, ठीक है, जहाँ आर जो होता है वो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है एंड इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, समझ गए। तो जिसको हम लोग इस तरह से ओम को लिखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो ये रेसिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है, रेसिस्टेंस है क्या बताइए। ऑब्स्ट्रक्शन ऑकर ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट, हाँ ऑब्स्ट्रक्शन, चली गए सर, ठीक है, तो क्या बोल रहा था, किन किन चीजों पर जो है रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, इन सब चीजों को हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या है, जो भी करंट को जो ऑब्जेक्शन प्रोवाइड करता हो, करंट को जो मीन्स फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, दैट इज रेसिस्टेंस, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को ऑब्जेक्ट मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। सो रेसिस्टेंस जो है इतना तो हम लोग जानते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स का रेसिस्टेंस डिफरेंट होता है, यस और नो, यस सर। जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, आयरन, सिल्वर का सॉरी ये दिस इज सिलिकॉन, सिल्वर का क्या होता है सिंबल Ag, ठीक है, आयरन, तो अलग अलग मटेरियल की वायर हो सकती है, क्या सभी जो है जब इनके थ्रू करंट फ्लो होगा तो क्या सभी के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस, सभी सेम अमाउंट ऑफ करंट को जो है वो करेगा, नो सर, सब में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, सबका जो है रिस्ट्रिक्ट करने का, रोकने का जो है तरीका या अमाउंट कम होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वेरी करेगा, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस, सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस में हमारा एक पहला चीज आता है नेचर ऑफ मटीरियल, ठीक है, समझ में आ गया, अलग अलग मटीरियल का अलग अलग क्या होगा, अलग अलग मटीरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि सबकी रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है, तो रेसिस्टिविटी डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ मटीरियल, ठीक है, एक तो ये बात आ गई समझ में। उसके बाद फिर हम लोग इस चीज को समझते हैं, यहाँ पर दो फिगर तीन फिगर दे रखा है, ठीक, सबसे पहले ये अगर सपोज लेंथ एक कंडक्टर है जिसका लेंथ ए है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, अब हमने क्या किया उसको इसी के जैसा आइडेंटिकल कंडक्टर को हमने एक साथ दोनों को लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इस तरह से, समझ गए। तो इस सिचुएशन में ठीक है जो होगा, अभी मान लीजिए यहां पर सपोज इस जगह पर जब ये कंडक्टर था जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है, तो उस समय में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा होगा इसके क्रॉस, वी हो रहा होगा, यस और नो, कुछ ना कुछ तो वोल्टेज लेगा ना, अरे यस सर, मतलब एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को अगर सपोज मान लीजिए इसको हम लोग बैटरी से या किसी चीज से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जब उसमें करंट फ्लो होगा इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए कुछ है, ठीक है, जो भी है आर है सपोज, ठीक है, इसका भी हमने रेसिस्टेंस कितना मान लिया आर, ठीक है, तो अभी ये कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज वी, ठीक है, समझ गए।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी कंडक्टर को हम लोग जो है एक और जगह पे, मतलब उसी जगह पे एक और हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला कंडक्टर कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, बोलिए। V, और ये वाला भी कंडक्टर जो है वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा, V। यस और नो, यस सर। बोलिए। वोल्टेज ड्रॉप जो है, क्योंकि एक कंडक्टर है, अगर आपने उसी कंडक्टर ऐसे, आप जैसे आप 10th में पढ़ते थे, ठीक है, कि सीरीज में जो है वो होता है अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करता है सभी, ठीक है, पैरेलल में ना सेम वोल्टेज ड्रॉप होता है, बट ये में कनेक्टेड है तो क्या होगा, अलग अलग वोल्टेज लेगा। तो इसने वी वोल्टेज लिया और इसने भी वी वोल्टेज लिया, क्या करंट दोनों में सेम फ्लो करेगा कि डिफरेंट फ्लो करेगा? सेम फ्लो करेगा। सेम फ्लो करेगा, ठीक है, जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही इतना भी उसमें भी फ्लो करेगा। तो हम लोग रेसिस्टेंस निकाल के देखते हैं, तो रेसिस्टेंस ओम्स लॉ क्या कहता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ठीक है। तो आर की जगह पे आर सी वही कंडक्टर, वी की जगह पे टू वी हो गया और आई की जगह पे आई है, ठीक है, करंट सेम होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, टू इंटू वी अपॉन आई, और V अपॉन I फर्स्ट वाले सिचुएशन में कितना था, R, है ना। सो इसका रेजिस्टेंस क्या बन गया, 2R। समझ में आ रहा है सबको, इस वाले वायर का, इस वाले कंडक्टर का अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R। इस बात को ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। यहां तक समझ आया या नहीं आया? देखिए क्या है बात, कि हम लोग 10th में सीधा पढ़ते थे रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये सब पढ़े हैं ना 10th में कि नहीं पढ़े हैं? सर पढ़े हैं। तो क्यों होता है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। तो देखिए, आप अगर एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक को पढ़ेंगे वहां पर आपको ये चीजें डायरेक्टली लिखी हुई होती है, ठीक है। और अब सीबीएसई अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एज वी नो दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रूव इट, तो आप क्या करेंगे फिर, क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो? बात नहीं समझ में आ रही है, आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया, ठीक है, कि चलिए बताइए रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, हाउ विल यू प्रूव इट, क्या करेंगे आप तो बोलेंगे ऐसा तो होता है, बोलेंगे ना। जय माता दी, प्रूव यस कर पाएंगे क्या? तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले ये फिगर बनाना है, फिर ये फिगर बनाना है, आपको ये दिखा देना है, इसमें आपका जब करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस इसका वी अपॉन आई होगा, ठीक। जब ये सिचुएशन है, लेंथ डबल हो गया तो वोल्टेज 2V हो जाएगा, करंट हमारा उतना ही रहेगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस 2V अपॉन आई, ये बन गया 2R, तो रेसिस्टेंस डबल हो गया। क्यों डबल हुआ, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ, वोल्टेज इंक्रीज हो गया, लेंथ वोल्टेज इंक्रीज इंक्रीज क्यों हो हुआ, गया। लेंथ इंक्रीज हुआ है, लेंथ डबल हुआ है। आई बात समझ में? अरे बोलो भाई, यस सर। लेंथ डबल हुआ, सबसे बेसिक चीज तो ये था ना, लेंथ डबल हुआ तभी तो वोल्टेज डबल हुआ, तो रेसिस्टेंस डबल हुआ। तो रेसिस्टेंस यानी कि आपको क्या मतलब यहां से पता चल रहा है, कि लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है, सो वी कैन से दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यस और नो, ठीक है। यस अब क्लियर है, अगर मान लीजिए आपसे सीबीएसई और ये सब चीजें आपको किसी दूसरे बुक में और कहीं नहीं मिलेगा ये सब पढ़ने के लिए, ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, बच्चे बोलते हैं फिजिक्स का पेपर टफ आया, टफ आया, कुछ टफ नहीं होता है, वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं इसलिए टफ आता है, ठीक है। बहुत सारी किताबें अच्छी अच्छी होती है, मोटी मोटी होती है, उसको पढ़ने में मजा आता है बच्चों को, और क्वेश्चन आता है इधर पे घुमा के, ठीक है, सीधा सीधा पूछता है, बच्चे बोलते हैं घुमा के पूछा है, तो यही सब डिफरेंस होता है बस, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चीज बताइए, अब हमने क्या किया, अब हम लोग ये भी जानते हैं रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जानते हैं कि नहीं 10th से?
तो ये बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ, क्या कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो कंडक्टर था इसको हमने बिल्कुल बीचों बीच काट दिया टू पार्ट में, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बाई टू हो जाएगा और नीचे वाले का भी ए बाई टू हो जाएगा, यस और नो बोलिए। ऐसा सिचुएशन बनेगा ए बाई टू वाला, और लेंथ लेंथ चेंज लेंथ चेंज हो जाएगा कि उतना ही रहेगा, बोलिए उतना ही रहेगा लेंथ, ठीक है। सो इस सिचुएशन में अब आप बताइए क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा कि करंट सेम होगा दोनों में, जब हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज सेम होगा कि करंट सेम होगा बताइए। करंट करंट सीरीज में सेम होता है, ये पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन है ना ठीक है। वोल्टेज तो इस सिचुएशन में वोल्टेज आपका जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, और करंट जो था आपका यहाँ पर जितना करंट फ्लो हो रहा था इसमें उसका आधा, क्योंकि सेक्शन हमने हाफ कर दिया तो उसका आधा सेक्शन करंट जो है इसमें फ्लो करेगा, ठीक है, समझ गए, और आधा इसमें, तो I बाई टू आई बाई टू। तो इस सिचुएशन में रेसिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, वोल्टेज तो उतना ही है और करंट हो जाएगा आपका कितना I बाई टू, क्योंकि इक्वल इक्वल डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, फिर से V अपॉन I, और ये जो नीचे टू था वो कहाँ चले गया ऊपर, ठीक है। सो ये जो है V अपॉन I, ठीक है, वो हमारा क्या था R, तो R इंटू क्या बन गया टू, यानी कि टू R आपका फिर से रेसिस्टेंस हो गया, यानी एरिया को हमने क्या किया, एरिया को हमने क्या किया, बढ़ाया कि घटाया, घटाया, एरिया को कम किया, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो एरिया को हमने हाफ कर दिया तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, क्लियर है। यस सर। तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों चीजें अगर आपसे सीबीएसई पूछ देता है तो आप कर पाएंगे, अब कैसे हुआ, आप टेंथ तक हम सिर्फ पढ़ते थे रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हमको टीचर ने बता दिया ऐसा होता है और हमने मान लिया, ठीक है। बट अब ट्वेल्थ में है आप, यही चीज आपसे घुमा के पूछ सकता है इस तरह से, ठीक है, क्यों हुआ, लॉजिक बताइए। तो आप क्या चुपचाप बैठे रहेंगे, आप तो ऐसे लिखेंगे या ऐसा बोल देंगे कि जो ऐसा तो होता है हमने पढ़ा था, ठीक है। सो लॉजिक समझ में आ गया सबको, बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। सो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर देयर आर टू कंक्लूजंस, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। So combining these two, we get resistance is directly proportional to L upon A. Okay? And proportional का sign हटेगा, equal to का sign आएगा, और उसके साथ में एक constant of proportionality आएगी, that is rho. ठीक है? And it depends on the material of the conductor, but not on its dimension. So rho is called resistivity. Rho को क्या बोलते हैं? Rho को क्या बोलते हैं? Resistivity, ठीक है, and depends on nature of material. अलग अलग material की अलग अलग resistivity होती है, ठीक है। So Ohm's law का नया format क्या बन गया, हम लोग Ohm's law क्या जानते थे, V equals to I into R. अब क्या जान गए हम लोग, I into R की जगह पर क्या लिख देंगे, rho L upon A. Any problem? So this is V equals to I rho L upon A. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बोलिए, ठीक है। अब इसी चीज में आप देखिए, दिस आई अपॉन ए को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, करंट डेंसिटी। यस, वेरी गुड, करंट डेंसिटी, ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय करंट डेंसिटी, डिनोटेड बाय जे, सो दिस इज जे इंटू रो इंटू एल। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बोलिए। ठीक है, अब जो है ये, इसको हम लोग और भी थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, V अपॉन L, दिस इज V अपॉन L इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बताइए,
ये एल को इधर ले दिए तो क्या बन गया, जे इंटू रो, ठीक है। अब वी अपॉन एल यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम लोग एक वर्ड बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा इसको हम लोग बाद में, मतलब ये चैप्टर वन में पढ़ना था, अभी हम लोग चैप्टर वन पढ़े नहीं है, तो वहां पर ये थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा चैप्टर वन टू से। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जे इंटू रो। यहां तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। नो सर, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जे इंटू रो, ठीक है। अब इसी को, ठीक है, हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज वेक्टर ए ई, एंड जे क्या था, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जे वेक्टर, ठीक है। और रो जो है डेंसिटी है, तो इसलिए सॉरी रेसिस्टिविटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर फॉर्म में ही रहेगा। तो इसी चीज को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, बोलिए। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। ये सब आपको प्रीवियस ईयर में ये सारी चीजें पूछी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हम लोग फाइनली डिराइव क्या करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है, अभी बता रहे हैं। और आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू दिस जे वेक्टर, ठीक है, और ये क्या है, रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी को हम अगर क्या कर दें, रेसिस्टिविटी को का रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मालूम, सिग्मा, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या बनेगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहां से आपका J का फॉर्मूला क्या बन गया, J इक्वल्स टू क्या बन गया बताइए, सिग्मा E, सिग्मा E, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू J इक्वल्स टू सिग्मा E। सारे टर्म्स आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आया, आ गया सर। तो ये जो है आपका ओम्स लॉ का जो है वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अदर वे में ओम्स लॉ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पुराने सालों में प्रीवियस ईयर्स में ये कई बार ये क्वेश्चन आया है ना, डिराइव द रिलेशनशिप ऑफ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, V इक्वल्स टू आई आर से, आई रो एल बाई ए, ठीक है, फिर आई अपॉन ए को हमने क्या किया, जे लिखा, रो एल, ठीक है, V इक्वल्स टू हमारा E इंटू एल हो गया, ठीक है, सो V बाई एल को हमने E लिख दिया, ठीक है, E इक्वल्स टू जे इंटू है ना रो हो गया, फिर रो को हमने वन अपॉन सिग्मा लिखा, फिर J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E आया। समझ आया सबको, तो दिस फाइनल स्टेप इज J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। यहाँ पर एनसीईआरटी में बोल्ड लेटर आपको जब भी दिखता है, यानी कि वो वेक्टर फॉर्म में है, उस पर एरो नहीं लगा के बोल्ड लिखता है एनसीईआरटी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, तो सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, एंड ओम्स लॉ इज ऑफन स्टेटेड इन एन इक्विवेलेंट इक्वेशन 3.13, ठीक है, इक्विवेलेंट इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको, एनी प्रॉब्लम, नो, ओके, वेरी गुड। सो हिमांशी, यस सर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, जी, करंट डेंसिटी की यूनिट पूछ रहा हूं मैं, सिंबल नहीं। शुभांगी, मैंने ये पढ़ाया नहीं है आपको, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ जानबूझ के कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। आयुष कौन है ये,
आयुष परगनिया है? परगनिया है सर। ठीक है ठीक है। यस सर। ठीक है एक मिनट। प्रीति, प्रीति। यस सर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी? रेशमी, रेशमी सर। ए अपॉन एम स्क्वायर। ए क्या है? ए क्या है? एम्पियर। हाँ देखिए, जे इक्वल्स टू, अभी आपको क्या बताया मैं, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो करंट का क्या होता है यूनिट? करंट की यूनिट एम्पियर। एम्पियर। और एरिया का? मीटर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सिंपल, क्या है इसमें दिक्कत है बताइए। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है, सो इसके बाद आता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस टॉपिक को हम अभी स्किप करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पर जो है आपको वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है पेपर में। ठीक है, तो इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। क्या होता है सबसे पहला कि V ceases to be proportional to I। ठीक है, मतलब ओम्स लॉ क्या कहता है आपको कि V is directly proportional to I, है ना। वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ जो है, या I वर्सेस V का ग्राफ, I V ग्राफ बोले या V I ग्राफ बोले, दोनों एक जैसा ही बनता है इसका। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ये ग्राफ क्या हो, ऐसे जा रहा हो, प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनल, यानी वोल्टेज बढ़ा रहे करंट बढ़ रहा है, लेकिन कभी कुछ अगर ऐसा हो जाए कि ऐसे शुरू में बढ़ रहा था सब कुछ ठीक था, फिर एक समय में ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो कंडक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक का मतलब क्या हुआ? जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो। समझ में आ रही बात? उसमें जो है क्या होगा, शुरू में तो ठीक ठाक चलेगा, और बाद में जब आप करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे या वोल्टेज को बढ़ाएंगे, कुछ देर के बाद उसका प्रोपोर्शनलिटी वाला जो है चांस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, यानी ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्लियर है सबको? इसमें V ceases to be proportional to I। ceases मतलब V proportional to I नहीं हो पाता, सीज कर लिया, बोलते हैं ना कोई भी चीज सीज कर लेना, तो यही उसको सीज कर लिया। ठीक है, समझ नहीं आया? yes, ठीक है। उसके बाद एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायोड। आप लोगों ने कभी सुना है नाम डायोड का? डाइलेक्ट्रिक करंट होता है क्या डायोड? नहीं नहीं डायोड आपने एलईडी का नाम सुना है? एलईडी। यस यस सर। क्या होता है एलईडी? एलईडी क्या होता है? लाइट, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड। तो डायोड के सिचुएशन में, ठीक है, ये जो है आपका वो क्या होता है, डायोड जितने भी डायोड्स होते हैं, ठीक, उसमें वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्मेट होता है। इसको हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, तो शुरू में मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई भी करंट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट का इंक्रीमेंट नहीं होता है, जीरो करंट। फिर अचानक से एक ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है, कुंभकर्ण के टाइप का, ये शुरू के ये 6 महीने तक सोता रहता है। ठीक है, लात मार लो, घूसे मार लो, हाथी दौड़ा दो, कुछ भी कर दो, फिर अचानक से उसकी जब 6 महीने के बाद नींद खुलती है तो हाहाकार मचा देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे देखिए कितना सारा करंट फ्लो हो गया, है ना। तो इस टाइप का डायोड होता है। ठीक है, यानी ओम्स लॉ फॉलो हुआ इसमें कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ।
सेम वे आपका है ना रिवर्स बायस में नेगेटिव में भी वोल्टेज देते हैं तो भी ऐसा ही सिचुएशन होता है या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है ऐसे करके वोल्टेज बढ़ा रहे हैं कोई भी करंट नहीं होगा अचानक से फिर एवलांची ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोगों को चैप्टर 14 में पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये दो हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर गैलियम आर्सेनाइड, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है, मोस्टली ये सब सोलर सेल्स वगैरह सब बनाने में यूज किए जाते हैं। उसमें भी आईवी वर्सेस जो है ग्राफ आपका लीनियर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका देखिए शुरू में करंट बढ़ रहा था, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, यहां तक लीनियर है। उसके बाद फिर ये नॉन लीनियरली बढ़ने लग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है नेगेटिव, यानी कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट कम होने लग गया, वोल्टेज के बढ़ने से करंट कम होने लग गया। तो ये वाला ग्राफ पेपर में कई बार पूछा हुआ है प्रीवियस केस में, है ना, नेगेटिव मतलब गैलियम आर्सेनाइड के केस में आईवी ग्राफ बनाना है। तो आपको कैसे बनेगा, शुरू में ये वाला जो रीजन हो गया, इस रीजन में नॉन लीनियर रीजन है, यानी कि ये ऐसे वेरी कर रहा है, और ये नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन है। ठीक है, ऐसे समझ आ रहा है। तो ये दो तीन हो गया, एक और भी होता है ना थायरिस्टर टाइप से, उसमें आपको ऐसे करके ऐसे, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, सॉरी ये थायरिस्टर के केस में कैसा होता है, मतलब पूरा ऐसे करके घूम के ऐसे ग्राफ बनता है उसका। ठीक है, ये मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एग्जैक्टली वो बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हैं जहां पर कि आपको V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, V सीजेस टू प्रोपोर्शनल टू I, नॉन ओमिक रेसिस्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको कहाँ पे, डायोड्स में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, ये फॉरवर्ड बायस हो गया पॉजिटिवल और ये रिवर्स बायस हो गया। फिर तीसरा गैलियम आर्सेनाइड में, फिर चौथा थायरिस्टर में। तो ये सब जो है ओम्स लॉ के लिमिटेशंस हैं। समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक में, बोलिए। तो ये एक टेबल है, इस टेबल में आपको रेसिस्टिविटी दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की, अलग अलग मेटल्स की रेसिस्टिविटी अलग अलग दे रखी है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार सिर्फ देख लीजिए किसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। देखिए इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी कितनी ज्यादा है और कंडक्टर्स की, सिल्वर की रेसिस्टिविटी 10 की बार -8 मतलब बहुत छोटा होता है। बोलिए सर, जो इसमें ग्लास की रेसिस्टिविटी दी रहती है वो किस टाइप के ग्लास की होती है, मतलब क्या, मतलब डिफरेंट टाइप की ग्लासेस होते हैं ना, तो किस टाइप के ग्लास की रहती है? नॉर्मल ग्लास, अब डिफरेंट जैसे ग्लास कांच जो होता है उसकी रेसिस्टिविटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब कई तरह के होते हैं तो सबका एक मतलब एवरेज वैल्यू लिखा है ना, इसलिए इसमें एक पर्टिकुलर का है नहीं, ये क्या 10^10 से लेके 10^14 तक, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्लास तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेसिस्टिविटी, फिक्स नहीं है ना, नहीं समझे बात को, तो अलग अलग ग्लासेस की अलग अलग रेसिस्टिविटी है, तो इसलिए इस रेंज में होगा सारे ग्लास की, जितने भी टाइप ऑफ ग्लास हैं 10^10 से 10^14 तक होंगे। ठीक है, समझ आ गया इतना? रेसिस्टिविटी ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, जब हम बना रहे होते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे ये 0°C पे आपको ये दे रखा होता है, तो मैन्युफैक्चर जो कर रहे होते हैं अलग अलग मटेरियल का, ठीक है, तो वहां पर उसकी जो मतलब ये करंट, उसके थ्रू करंट फ्लो करा के दिखाया जाता है, तो वोल्टेज करंट है ना, तो वो जो फॉर्मूला है V=I है ना R, यहाँ से ρL/A, तो उसका लेंथ कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, वोल्टेज, ठीक है, देखिए यहाँ उसको कितना वोल्टेज दिया वो मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, लेंथ पता कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता कर सकते हैं, तो वहां से रेसिस्टिविटी निकल जाती है। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये किया जाता है। ठीक है, क्लियर, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यस, नो सर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग आज अभी नेक्स्ट क्लास भी होगी ना आपकी? यस सर। तो इसलिए सिर्फ अभी आपको ये एक
टेबल है, इसको हम लोग कल इसके ऊपर में इसको मतलब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, इसको आप सिर्फ थोड़ा सा याद करके रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, इसका सीक्वेंस याद रखना है आपको, ठीक है। कैसे हम लोग रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं, जिसको रेसिस्टर कलर कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है, रेसिस्टर कलर कोड, ठीक है। जैसे ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये जीरो से शुरू होकर नाइन तक, ये कम से कम यहां तक आपको याद रखना है। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट है, ठीक है, मालूम है किसी को कोई शॉर्टकट इसको याद रखने का? नहीं मालूम है, ठीक है। इसका शॉर्टकट है, देखिए, बी बी रॉय, ठीक है, क्या लिखा, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी बी रॉय ग्रेट, आई होप ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ऐसे करके है, ठीक है। रेसिस्टेंस कलर कोड, ठीक है। ये देखिए जो सबसे लास्ट में आपको डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है, समझ आया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हुआ? Yes, समझ नहीं आ रहा किसी को, सो देखिए, बी बी रॉय ऑफ, ऑफ में कुछ नहीं है, ठीक है, प्रीपोजिशन वैसे लगा हुआ, ग्रेट ब्रिटेन हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहला आपका ब्राउन है, यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए होती है, बी बी रॉय में पहला ब्राउन, सॉरी पहला ब्लैक, फिर दूसरा ब्राउन, ठीक है, तो ब्लैक से स्टार्ट करना है, ठीक है, फिर ब्लैक ब्राउन, अब यहाँ पर ग्रीन, दो जी से दो चीजें हैं, एक ग्रीन है और यहाँ पर गोल्ड है, तो गोल्ड लास्ट के तीन में है, ये ध्यान में रखना है, गोल्ड और सिल्वर एक साथ है, यानी जी वाला जो है यहाँ पर ग्रीन है और ये वाला जो है ग्रे है, ठीक है, ग्रीन और ग्रे, ये दो चीज आपको यहीं पर कंफ्यूजन होती है, बी और जी में, तो ब्लैक फिर ब्राउन फिर ग्रीन फिर ग्रे, ठीक है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, हो जाएगा? यस सर, ये सीक्वेंस आप याद करके रखिए, फिर कल इसके ऊपर में हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?